वो भाव केवल ओज का नहीं, वो भाव केवल शूर का नहीं, वो भाव केवल एक है और वो है मातृभूमि के प्रति हमारे अटूट बंधन का। इसीलिए हमेशा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आप देख सकते हैं जबलपुर से, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उमड़े हैं लोग बड़ी संख्या में। जो सामान्य लोग हैं, क्या पुरुष, क्या स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, इस भीड़ में उमड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, अपने प्रिय नेता का दीदार करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। इस समय जबलपुर की ये जनता उमड़ी है, देख सकते हैं तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं स्वागत के लिए आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नारी शक्ति सशक्तिकरण जो बिल आया उसके बाद से महिलाओं को एक न सिर्फ संबल मिला है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं वहां बड़ी संख्या में महिलाएं ज़रूर आती हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए। और ये दृश्य यहां भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आम लोग उमड़े हुए हैं जबलपुर में अपने प्रिय नेता को अपने बीच में पाकर। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने उनकी जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाओं के जरिए जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक का ख्याल रखती है, उनको लाभ पहुंचाती हैं। और साथ में प्रधानमंत्री के शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और नरोत्तम मिश्रा जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश के, वो भी वहां मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री के इस वाहन के आगे आगे चलते हुए। और दरअसल ये जो भीड़ है वो उस प्रधानमंत्री के काफिले की का जो वाहन है उसके रफ्तार को थाम ले रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हैं, आम लोग जुटे हैं, जो आम जनमानस है वो भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए यहां जुटा हुआ है। तो ये जो है ये दृश्य अब बेहद आम हो चले हैं, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं वो सुदूर पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर दक्षिण के प्रदेश हों या फिर उत्तर भारत हो या फिर जिसको कहते हैं कि मध्य प्रदेश को भारत का न सिर्फ केंद्र बल्कि हृदय कहा जाता है। और वहां जबलपुर में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो लोग बड़ी संख्या में उमड़ पड़े हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। और अपने मोबाइल कैमरों में इस क्षण को लोग कैद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के इस वाहन पर आगे रानी दुर्गावती का एक चित्र भी उकेरा गया है। आज रानी दुर्गावती की एक विशाल प्रतिमा को भी समर्पित किया जाएगा राष्ट्र के नाम। और ये देख सकते हैं कि अब प्रधानमंत्री अपने जो कार्यक्रम स्थल है उसके पंडाल के निकट पहुंच चुके हैं, लेकिन जो भीड़ है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाती हुई दरअसल देखा जा सकता है उनको। और इस यहाँ से पहले जो वीरांगना रानी दुर्गावती का ये जो कार्यक्रम है, इससे पहले प्रधानमंत्री एग्जीबिशन देखने के लिए पहुँचे थे, भारत की ऊर्जा माला गैस आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया था और जाना था कि किस तरह से जो तमाम परियोजनाएं हैं गैस आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से जुड़ी हुई, ये एक भारत की ऊर्जा माला करके एक परियोजना है जिसके विषय में प्रधानमंत्री को समझाया जा रहा है, ब्रीफ दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से यह परियोजना चलेगी। दरअसल आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के कुछ दृश्य लगाए गए हैं, वहाँ से पानी बहता हुआ दिखाया गया है। तो ये दरअसल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाएगी, ऊर्जा कैसे जनरेट की जाएगी,
इसके विषय में इससे संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। इस जो रोड शो अभी हमने आपको दिखाया उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे थे। और वीरांगना रानी दुर्गावती की समाधि स्थल पर भी के निकट ही ये दरअसल ये कार्यक्रम रहा है। और ये कार्यक्रम आज का जो रहा है वो वीरांगना रानी दुर्गावती को समर्पित है, कहीं ना कहीं महिलाओं के को समर्पित है। और ये देख सकते हैं जो मूर्ति आपको एक उसकी झलक सी देखने को मिली, तो आप देख सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो इससे पिछला दृश्य जो आपने देखा वो प्रधानमंत्री को समझा रहे थे दरअसल उस परियोजना के विषय में कि किस तरह से उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, किस तरह से आगे चलना है। एक विशेष बात है कि प्रधानमंत्री न सिर्फ विकास परियोजनाओं में रुचि रखते हैं बल्कि उनको जानना समझना भी चाहते हैं, विस्तार से उसके जो चीज़ें हैं उसको वो जानना समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये कार्य करेगा, किस तरह से जो उसकी बारीकियां हैं प्रधानमंत्री उसको भी जानते हैं, समझते हैं और उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं और लेते भी हैं दरअसल। और उसके बाद फिर उनके जो अपने विचार होते हैं वो भी वो उस पर जोड़ते हैं। तो ये एक जिसको कहना चाहिए कि विलक्षण प्रतिभा अगर इसको कहा जाए, क्योंकि हर एक विषय में रुचि रखना, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना, उसमें अपने विचार देना, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसके विषय में जानकारी लेना, उसमें अगर कोई कमी हो सकती है तो उसके उसके बारे में भी ध्यान देना, ये और हर एक विषय पर ऐसा जो ये देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री बहुत उत्सुकता के साथ में और बहुत गंभीरता के साथ में विषयों को न सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, बल्कि उसके बारे में जो उनकी अपनी राय होती है वो भी उस पर वो बताते हैं। तो इस तरह के दृश्य ये सिर्फ आज के इस जो एग्जीबिशन है वहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन हमने पिछले 9-10 वर्षों में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो एक तरीका है कार्य करने का वो दरअसल न सिर्फ सबको प्रेरित करता है बल्कि ये इस तरफ भी इशारा करता है कि जो भी शीर्ष पर लोग बैठे हुए हैं वो विकास की परियोजनाएं हों या जो दूसरे कार्य हों उनमें न सिर्फ रुचि लें बल्कि उसको जानें, समझें किस तरह से ये योजना काम करेगी, किस तरह से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, इसमें क्या कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, क्या कुछ इसमें चुनौतियाँ हो सकती हैं और क्या कुछ इसकी खूबियाँ हैं, ये भी जानना समझना चाहिए। ये शायद जो तमाम जो दूसरे नेता हैं या ये कहा जाए कि दूसरी पंक्ति के नेता हैं उनके लिए भी ये एक साफ संदेश है। तो आप देख सकते हैं कि ढेर सारे सवालों के साथ प्रधानमंत्री हमेशा तैयार होते हैं जब उनको कोई एक्सप्लेनेशन या प्रेजेंटेशन दिया जाता है। ये ऊर्जा से जुड़ी हुई परियोजना है जिसको प्रधानमंत्री समझना चाह रहे हैं, भारत की ऊर्जा माला गैस आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। दरअसल किस तरह से गैस आधारित जो ऊर्जा है उससे जुड़ी हुई ये परियोजना है और किस तरह से कार्य करेगी, किस तरह से आगे चलेगी, इसको प्रधानमंत्री जानना समझना चाह रहे हैं। रानी दुर्गावती की एक विशाल प्रतिमा का भी एक मॉडल जो है वो लगाया गया है और रानी दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती, रानी दुर्गावती का जो इतिहास है वो आज भी न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश को प्रेरणा का, देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ये शॉर्ट्स आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से प्रधानमंत्री को
बताया जा रहा है एक एक प्रोजेक्ट को लेकर के। दरअसल इस पूरी प्रदर्शनी में कई सारे प्रतिदर्श जो है वो दर्शाए गए हैं कि किस तरह से काम करेगा जो ऊर्जा माला की जो ये परियोजना है, गैस आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा जिसको बताया जा रहा है। अर्पित कर आज के इस मंच को कृतार्थ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगी कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी को पुष्प अर्पित कर आज के इस पावन काज को सिरे चढ़ाएं। नमामि रानी दुर्गावती, श्री नरेंद्र मोदी पुष्पम समर्पयामि। एक बार पुनः जबलपुर की इस पराक्रमी भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही इस गरिमामय मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों का अभिनंदन है। श्री मंगू भाई पटेल माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश, श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार। अतः मंच पर उपस्थित सभी मान्यगणों का अभिनंदन। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आपने पुष्प भेंट करके उनका स्वागत किया, और अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप कृपा करके ये पावन भूमि की ये जो स्मृति स्वरूप चित्र है ये भेंट करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। ये चित्र जिसे मूलतः भारतीय संविधान की मूल कृति के अलंकरणकर्ता ने बनाया था, व्यवहारा राम मनोहर सिन्हा, और साथ ही ये वाद्य यंत्र जिसे टिमकी कहा जाता है ये भी हम आपको भेंट कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। ये टिमकी जो कि हमारे राष्ट्र की माटी से बना है, अब ये आपको भेंट स्वरूप अर्पित है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करूंगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप कृपा करके इस समारोह को संबोधित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की। आज पूरा महाकौशल, गोंडवाना आनंद उत्सव और नृत्य में डूबा है। आज रानी दुर्गावती जी की 500वीं जयंती है और हम सबका सौभाग्य है इस अवसर पर रानी दुर्गावती जी के स्मारक का शिलान्यास करने हमारे बीच आए हैं। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, भारत के मुकुट मणि और दुनिया को भी दिशा दिखाने वाले हमारे नेता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजा के अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, वरिष्ठ नेता और मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय राकेश सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी सांसद विधायक साथीगण, और यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। वह तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वह दुर्गावती भवानी थी। आज रानी दुर्गावती जी के चरणों में प्रणाम, और आज मन आनंद से इसलिए भरा हुआ है कि गोंडवाने की रानी, भारत के स्वाभिमान की प्रतीक,
धर्म की रक्षक रानी दुर्गावती जी के स्मारक का आज भूमि पूजन है। मेरे बहनों और भाइयों, कई बार मन में तकलीफ होती है। एक सरकार पहले जो वर्षों तक रही, उसने एक खानदान के लोगों को ही महिमा मंडित किया। मुझे गर्व यह कहते हुए कि नंदरही नाले पर भी रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा अगर लगाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाकर उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का काम किया था। आज मुझे कहते हुए भी गर्व है कि हमारे जनजाति नायक जिन्हें आजादी की लड़ाई लड़ी, प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा, उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस उन्होंने घोषित किया, जनजाति गौरव दिवस। रघुनाथ साय जी, शंकर साय जी प्रतिमा, जिनको तोपों के मोह से बांध के अंग्रेजों ने उड़ा दिया था क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। टंटिया मामा, भीमा नायक, कितने ऐसे अमर शहीद क्रांतिकारी है जिनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। मेरे बहनों और भाइयों, आज मेडिकल कॉलेज मंडला का नाम हृदय साह मेडिकल कॉलेज है। छिंदवाड़ा के विश्वविद्यालय का नाम शंकर साह विश्वविद्यालय है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्हें भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को नाम दिया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, गोंडवाने की रानी। एक नहीं, अनेकों जगह अगर स्मारक बनाए तो हमने बनाए। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। इस भाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर रही है और इस स्मारक के पीछे भी अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी शहडोल पधारे थे बीच में और तब हमने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाली थी और तब प्रधानमंत्री जी ने तय किया था 5 अक्टूबर को मैं जबलपुर आऊंगा और रानी दुर्गावती जी के स्मारक का भूमि पूजन करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे कहते हुए गर्व है, आज केवल जबलपुर में लोग नहीं सुन रहे, हर गांव में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, हर गांव में आज कार्यक्रम का आयोजन है और गांव गांव में जनता बैठे इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को देख रही है। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, आपको याद होगा रघुनाथ साह जी, शंकर साह जी के बलिदान दिवस पर अमित भाई को 2 साल पहले गृह मंत्री जी पधारे थे और तब हमने 14 चीजें जनजाति भाई बहनों के कल्याण के लिए तय की थी, 14 की 14 पूरी कर दी। मुझे कहते हुए भी गर्व है, आदिवासी बहनों और भाइयों, पेशा एक्ट की बात कई वर्षों से होती रही, कांग्रेस ने कभी पेशा एक्ट लागू नहीं किया। अगर पेशा एक्ट लागू करके नियम बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, हमें यह सौभाग्य मिला है। और आज वो पेशा मुझे बता दो, प्रसन्नता है, आदिवासियों को जल जमीन और जंगल के अधिकार दे रहा है। मुझे खुशी है कहते हुए पहली बार कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता खुद तोड़ा, खुद बेचा और जो लाभ आया वो ग्राम सभा के खाते में गया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पेशा एक्ट के अंतर्गत जो गांव में विवाद शांति और विवाद निवारण समितियां बनी है वो छोटे मोटे विवाद वहीं निपटा देती है, पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, समय की सीमाएं। लेकिन मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से पेशा को धरती पर उतार के मध्य प्रदेश की आदिवासी समाज का कल्याण अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। और मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण उनका संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, प्रधानमंत्री जी का जो काम वो मध्य प्रदेश को सौंपते हैं, हम पूरे समर्पण के साथ करने का प्रयास करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, सिकल सेल मिशन उन्होंने लॉन्च किया, उसका काम तो
चल ही रहा है, लेकिन आम जनता के लिए उन्होंने कहा आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड बनवाओ। मुझे गर्व है कहते हुए मध्यप्रदेश वासियों, 3,70,00,000 आयुष्मान कार्ड मध्यप्रदेश ने बना के 32,00,000 गरीबों का इलाज करवा दिया। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, मध्यप्रदेश में देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने। प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब आदिवासी उनके लिए वरदान बन के आई, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें ग्रामीण क्षेत्र में 38,00,000 मकान प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को बनवाने के लिए दिए, 35,34,000 बना के गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न हो गया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के भेजे हुए मकान नहीं बनवाए, वापिस कर दिए। गरीबों के मकान बन जाते तो क्या बिगड़ जाता कांग्रेस वालों, क्या बिगड़ जाता। उन्हें मकान वापस कर दिए, उन्हें आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए, उन्हें किसान सम्मान निधि गरीब आदिवासी को भी नहीं मिलने दी, गरीब आदिवासियों को भी नाम ही नहीं भेजे उनने, उससे वंचित करने का अपराध और पाप किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्ट्रीट वेंडर योजना, पीएम स्वनिधि, मुझे गर्व है कहते हुए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर एक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा गांव की जनता को भी उसके जमीन का अधिकार पत्र दो, उन्होंने योजना बनाई स्वामित्व और मध्य प्रदेश तक क्रियान्वित की। स्वामित्व के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर एक है। मेरी बहनों, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और मुझे कहते हो गर्व है बहनों के खाते में 16,000 रुपया डाल के उनकी जिंदगी को बचाने का और बनाने का बेहतर काम अगर हुआ तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर एक है। योजनाएं अनेक, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का मंत्र दिया, मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर एक। प्रधानमंत्री जी ने कहा पानी बचाओ, हमने प्रयास किया आप सबके सहयोग से, और जल संरक्षण में भी आज मध्य प्रदेश नंबर एक है। प्रधानमंत्री जी ने बनाई स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी मिशन बना, और स्मार्ट सिटी के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश नंबर एक है। क्योंकि हम जानते हैं बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे और चीजें क्रियान्वित करेंगे तो जनता का कल्याण होगा और मध्य प्रदेश का विकास होगा। आज वो मध्य प्रदेश जो कांग्रेस के कारण कभी बीमारू कहलाता था, आज मुझे कहते हुए गर्व है 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी थी, आज 1,40,000 रुपया हो गई है। टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5,00,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बन गई है। 2900 मेगावाट बिजली थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को हमने दे दी है। सिंचाई की योजनाओं पे केवल 7.5 लाख हेक्टर में सिंचाई हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश और जबलपुर वालों 47,00,000 हेक्टर जमीन सींच के मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने का काम किया है। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार केवल 71,000 करोड़ रुपए था, आज वो 14,00,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है, 14,00,000 करोड़ को। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाएंगे, हमने तय किया मध्य प्रदेश ने कि $550 बिलियन की इकोनॉमी मध्य प्रदेश बना के समृद्ध भारत के निर्माण में अपना सहयोग देगा, और इसलिए आज मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शुभ अवसर पर मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए केवल रानी दुर्गावती के चरणों में प्रणाम करते हुए इतनी ही बात करता हूं कि अगर हमने अच्छा काम किया है, और एक बार मुझे बता दो हमने कैसी सरकार चलाई, बताना दिल से मेरे बहनों और भाइयों, हमने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई, एक बार पीछे तक जरा जोर से बताएं, अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई। तो आइए फिर से एक बार आशीर्वाद दीजिए प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के आप आशीर्वाद देने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, और हर हर नर्मदे। धन्यवाद महोदय। देवियों और सज्जनों,
आज का ये दिन विशेषतः उस चिरस्थायी स्मारक के भूमि पूजन को समर्पित है जो वीरांगना रानी दुर्गावती जी के शौर्यपूर्ण अस्तित्व को विजय तिलक लगाकर हम सभी का प्रणाम उनके चरणों में सदा सदा के लिए अर्पित करता रहेगा। लेकिन उससे पहले वीरांगना रानी दुर्गावती जी के जीवन एवं उनके प्रस्तावित स्मारक पर आधारित एक लघु फिल्म आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। विस्तृत गोंडवाना साम्राज्य का हिस्सा था जो राजा संग्राम शाह और वीरांगना दुर्गावती के महान शासन का साक्षी रहा। जबलपुर इसी महान क्षेत्र की विरासत को आज भी समाहित किए हुए है। रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी में गोंडवाना साम्राज्य पर शासन किया था और इस काल को स्वर्णिम युग माना गया है। उन्होंने अपने शासन काल में 3 बार मुगलों और कई आक्रमणकारियों के खिलाफ 51 वीरतापूर्ण युद्ध लड़े थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी दुर्गावती की वीरता का उल्लेख किया था। रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म शताब्दी पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी और रानी दुर्गावती की प्रेरणा ऐसे ही हमारे पथ प्रदर्शन करती रहेगी। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर रानी की वीरता और साहस को